तो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जो मैं जहाँ पर नहीं। हाय, माय नेम इज मेरी मिश्रा एंड यू वाचिंग मोनास क्राफ्टोग्राफी। सो आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। सो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड आपको और एक बात बताना था, अभी मेरी 1000 सब्सक्राइबर होने में कुछ ही टाइम बाकी है। हमें कुछ 150 या 160 140 कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स चाहिए। जैसे ही मेरी 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मैं आपके लिए इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें लाने वाली हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे ये जल्दी जल्दी ग्रो करना है, जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीडली, इसलिए मैं कर रही हूँ, थोड़ा इसलिए जल्दी एक्टिव रह रही हूँ क्योंकि मैं अभी तक एक्टिव नहीं थी। एंड बस इतना ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, अगर ऐसे कुछ कोई चीज़ ट्राई करोगे, तो मैं भी ये चीज़ ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने भी मेरा पुराना चेंज लिया है, पुराना नहीं है, मतलब एक्चुअली मैं तो कर रही हूँ, कि अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो कोई पुराना जीन्स या कोई जो चीज़ें जो आपका जीन्स है जो आप नहीं पहनते हो, उस पर फर्स्टली ट्राई करना। एंड उसके लिए आपको लगने वाला है फैब्रिक पेंट। तो ये ध्यान में रखना कि एक्रेलिक पेंट से अगर पेंट करोगे तो वो उतना ज़्यादा देर तक नहीं रहता, उतना ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। मैंने एक 2 साल पहले टी शर्ट पेंट की थी, तो वह मेरे पास अभी भी, और वो वैसी की वैसी है, उसका कलर, उसका पेंट वैसा का वैसा अभी तक नहीं निकला है। वो भी मैं उसका लिंक भी ऊपर दे रही हूँ, वो भी जाके चेक कर लेना। एंड जीन्स को भी देखते हैं कि हम उसे किस तरीके से बना पाते हैं और किस तरीके से हम अच्छे से दिखा पाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये मेरा जीन्स है एंड मैं उसके अंदर अभी पॉकेट के अंदर मैं पेपर इंसर्ट करने वाली हूँ, ताकि अपोजिट साइड में उसका कलर ना लगे। जब मैंने टी शर्ट पेंट की थी तो तब मैंने अपोजिट साइड में कलर ना लगे, इसलिए मैंने पेपर इंसर्ट किया था। बट मैंने यहाँ देख रही हूँ कि जीन्स का कपड़ा थिक होता है, उसके कारण ना अपोजिट साइड में कलर लगने का कोई मतलब ये नहीं होता है कि अपोजिट साइड में कलर लगे। सो आप बिना पेपर इंसर्ट किए भी आप पेंट कर सकते हो, जिस तरीके से मैं प्रोसेस कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ही ड्राइंग या जो मैंने पेंट करी है, अगर आपको वही ड्रॉ करना है, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। मैं बहुत इजी एंड बहुत ही सिंपल वे में करने वाली हूँ। सो वीडियो को देखो एंड तक। सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं था, मुझे लगा कि मैंने वीडियो ऑन कर लिया है। जब मैं ड्रॉ कर रही थी रफ स्केच, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ड्रॉ कर लिया, बट मैंने नहीं किया था। तो मैं बटरफ्लाई बना रही हूँ, बटरफ्लाई बस 2-3 कलर यूज़ करने वाली हूँ, ब्लैक, वाइट एंड पर्पल, ऐसा कुछ कलर। इसी चीज़ से मैं बनाने वाली हूँ। एंड आप अभी बोर हो गए होंगे मेरी बातें सुन सुन के, तो चलो थोड़ा म्यूज़िक सुन लेते हैं। ऑलमोस्ट रेडी होने पे आ गया है। अगर आपको भी मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग। आप देख सकते हो कि कितना प्यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।